Why you should not buy chimney? हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेशोफिक्स ट्रैवल एंड ऑटो। मेशोफिक्स में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज होने वाली है, ये सुजुकी जिम्नी कुकबुक सीरीज होने वाली है। हम मल्टीपल वीडियोस में जिम्नी का एनालिसिस करेंगे। जिम्नी हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। इस पूरे जिम्नी कुकबुक में काफी सारी वीडियो होंगी जो इसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी खासियत, इसकी कैपेबिलिटीज, हर चीज के बारे में इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि जिम्नी हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। Why you should not buy जिम्नी? अगर आपको जिम्नी को थार से, फोर्स कुरखा से या मर्सिडीज की जी वैगन से कंपेयर करना है तो मेरे ख्याल से जिम्नी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। ये सब कंपैरिजन जरूरी नहीं है हम करें और होने भी नहीं चाहिए। उसके रीजन है, जब कोई भी कंपनी एक गाड़ी लॉन्च करती है उसके सेम प्राइसिंग की वजह से या किसी और चीज़ की सिमिलरिटी की वजह से एक मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और बहुत सारी कंपनी चाहती भी हैं वो कंपटीशन क्रिएट हो। होता क्या है, हर इंसान, मैक्सिमम इंसान उसी कंपटीशन में, उसी कंपैरिजन में फंस जाता है। तो जिम्नी इज़ नॉट अ व्हीकल यू शुड कंपेयर विद थार और फोर्स गुरखा और स्पेशली जी वैगन, क्योंकि जी वैगन से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, एक बॉडी शेप वैसा हो सकता है, देखने में उसका एक छोटा सा वर्जन हो सकता है, बट यू शुड नॉट कंपेयर दिस व्हीकल। आई टेल यू द रीजन, इसका वेट मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच नहीं करता। ये करीबन 1200 किलो की गाड़ी है और बाकी सब गाड़ियाँ वो 2 टन या फिर इससे ज्यादा की गाड़ियाँ हैं, राइट। इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो इंजन स्मॉलर इंजन है, कुछ लोग कहते हैं अंडर पावर इंजन है, दैट्स फाइन, आई मीन दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट डिबेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट दिस इज डेफिनेटली डिबेटेबल। कुछ कंडीशंस में अंडर पावर है, कुछ कंडीशंस में ये बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। अल्टीमेटली इसका वेट मैच नहीं करता, इसका डायमेंशन मैच नहीं करता। लेंथ में हो सकता है ये थार के बराबर हो, बट इसकी विड्थ मैच नहीं करती है, इसकी हाइट मैच नहीं करती है, तो कंपेयर क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी फ्यूल इकोनॉमी, अगर सेम ये पेट्रोल व्हीकल थार पेट्रोल से कंपेयर करोगे, इट्स अ वेट डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट एवरेजेस ऑफ टू व्हीकल्स, राइट। ये जो व्हीकल है ये आपको हाईवे पे 16-17 एवरेज भी दे देगा। कैन यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम थार? सो नो कंपैरिजन, राइट। इस गाड़ी के फुटप्रिंट छोटे हैं, जहाँ पर ये छोटी सी जगह में गाड़ी घुसानी हो वहाँ ये चली जाएगी, लेकिन थार को मुश्किलें आने वाली हैं। मैं थार की पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके फुटप्रिंट की बात कर रहा हूँ। और हाँ, वेट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए हमें उसका भी कंपेयर करने का कोई मतलब है नहीं। कर सकते हो आप अगर आपको वेट कैरी करना है, बट दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस व्हीकल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें थार से और फोर्स गुरखा से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर कंपेयर करना है तो आप ये गाड़ी मत लीजिए। इसकी अपनी कैपेबिलिटी देखिए तो इसको लीजिए। सेकंड पॉइंट है, इफ यू वांट टू क्रूज दिस व्हीकल टू इट्स लिमिट, दिस इज नॉट अ व्हीकल, डोंट बाय इट। यू कैन डू 150-160 बट इट इज नॉट रिकमेंडेड एंड यू शुड नॉट एंड आई वोंट रिकमेंड टू यू नो क्रूज दैट स्पीड एंड ऑन द हाईवेज, राइट। उसका रीजन है, मैं बताता हूँ क्या रीजन है। देखिए, ये एक लेडर फ्रेम चेसी है जिसमें ये जो पार्ट होता है ये ऊपर उठा हुआ है चेसी का और आगे से नीचे है, यानी कि एक तरह से लैडर है इसका, राइट। तो लैडर फ्रेम चेसी नॉर्मली क्रूजिंग के लिए नहीं होती है। लैडर फ्रेम चेसिस आर फॉर डिफरेंट कैपेबिलिटी, स्पेशली ऑफ रोड, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन इज माउंटेड ऑन द टॉप, राइट, सिटिंग ऑन द हाइट विद अ बिगर व्हील्स, राइट। तो जब ऐसा व्हीकल होता है तो वो क्रूजिंग के लिए नहीं होता। हाँ, स्पीड में चला सकते हैं, दैट्स फाइन। तो ये जो व्हीकल है स्पेशली डिजाइन फॉर ऑफ रोडिंग, सेकेंडली अ डिसेंट राइड ऑन हाईवेज। एक और चीज है, जब इस तरह का व्हीकल डिजाइन होता है उसकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज है उसी तरह से डिजाइन होती है। ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग काफी इंप्रूव हुई है, एनहांस हुई है, राइट। उसी वजह से इस गाड़ी की ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, बट स्टिल इट इज नॉट एज गुड एज एनी क्रूज व्हीकल। अगर आप इसे 140 में चला रहे हैं और ब्रेक मारते हैं एंड यू एक्सपेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सो आई वोंट रिकमेंड यू, इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस व्हीकल, टू टच द लिमिट्स, डोंट बाय इट। 100, 90, 110 वेर एवर इट इज परमिशेबल, विच इज फाइन एंड आई थिंक वो रीजनेबल भी है। आप किसी भी रोड पे चले आइए, एवरेज स्पीड कितनी आती है व्हीकल की, आप कितना भगा लीजिए, कितना फर्क पड़ेगा। दिस इज नॉट अ व्हीकल टू क्रूज एट इट्स लिमिट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अ फ्यूल इकोनॉमी। अब देखिए, फ्यूल इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो बहुत डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल में डिफरेंट टाइप की होती है। देखिए, अगर आपको बिल्कुल बहुत ही फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो आप कोई भी मारुति की दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। दिस कार बेसिकली हैविंग डिफरेंट पर्पस एज यू नो। तो इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, इट इज अ वेरी गुड फ्यूल इकोनॉमी इन द कैटेगरी ऑफ 4x4 व्हीकल हैविंग अ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में ये गाड़ी हाईवे के ऊपर 16-17 की एवरेज दे देती है, बहुत ही वर्स्ट केस में ये 15 की एवरेज देती है। इट इज अ वेरी गुड व्हीकल। मैं इसे ले गया था तो लेह में मुझे इसने ओवरऑल जो एवरेज दी थी वो करीबन 14 के आसपास एवरेज दी थी। जो जिम्नी है
पेट्रोल 4x4 में एक अकेला ऐसा ऑप्शन है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली, जो इतनी अच्छी आपको फ्यूल इकोनॉमी देता है। बाकी कोई पेट्रोल इंजन 4x4 में इतनी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी नहीं दे सकता, नहीं देता है आज की डेट में। अगर आपको एक बहुत बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो इस व्हीकल को आप ना खरीदें। उसके लिए बेलिनो और बहुत सारी और गाड़ियां हैं जो 25 की, 24 की, 23 की एवरेज देती हैं हाईवे के ऊपर। नेक्स्ट इज, इफ यू वांट टू बाय अ व्हीकल विद कैपेसिटी ऑफ 5, डोंट गो फॉर इट। दिस इज अ व्हीकल Only for 4 people. Officially, इसमें जो approved है सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं including driver. इसकी width बहुत ज्यादा नहीं है, जिस वजह से अंदर का जो space है वो 2 के लिए ही काफी है। अगर 3 लोग बैठ जाते हैं, मान लीजिए एक टूर में 3 लोग बैठना भी चाहते हैं, तो इस व्हीकल में आप कंफर्टेबली नहीं जा सकते और वो नॉन कंप्लायंट भी होगा, बिकॉज द अप्रूव्ड कैपेसिटी ऑफ दिस व्हीकल इज फॉर 4 पर्सन। अब देखिए, इसमें फ्रंट वाला जो सीट है ये काफी कंफर्टेबल है, ये सीट कंफर्टेबल है, वो सीट बहुत कंफर्टेबल है, पीछे वाली सीट है। अगर मैं इस सीट को एक ऐसी जगह पे रखता हूँ जहां पर कोई भी एक 5'6", 5'7", 5'8", even 6 फुट तक का आदमी इसे ड्राइव करता है गाड़ी को, मान लीजिए मैं थोड़ा पीछे करता हूँ सीट को, उसके बाद भी इसमें देखिएगा कि कितना स्पेस रह जाता है। और मैं 5'6" हूँ, अभी भी यहाँ पर करीबन 5-6 इंच का स्पेस सीट पीछे करने के बाद है, यानी कि ये कोई इशू है नहीं, आप आराम से इसमें जा सकते हैं। बट इसकी जो विड्थ है, विड्थ में आप मेरे साइज के 3 लोग तो बैठ ही नहीं सकते, बैठ जाएंगे तो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। तो इसलिए दिस इज नॉट अ व्हीकल फॉर 5 पर्सन, ओनली फॉर 4। So, if you want to buy a vehicle for 5 people, don't buy it. If you want to go for a vehicle with lot of load carrying capacity, don't go for it. It is not a vehicle to take lots of load. Let me tell you how. इसका जो boot space है, इसे बहुत अच्छा है 4 लोगों के लिए, और काफी अच्छा है। इसमें आप सामान रख सकते हो, आप 2-3-4 लगेज इसमें, जो medium size के, not hard boxes, आप इसमें रख सकते हो। यानी कि 4 लोगों के लिए ये 4-5 दिन जाने के लिए काफी है। इश्यूज क्या है, इस व्हीकल का टोटल इसका वेट है वो करीबन 1200 के आसपास है, ग्रॉस वेट है वो करीबन 1500 किलो के आसपास है, यानी कि करीबन 350 किलोग्राम रफली आप इसमें दे सकते हैं, इट इज लेस एक्चुअली। यहाँ पर इश्यूज क्या आएंगे, देखिए इसका इंजन 1.5 लीटर का है, इसलिए कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों की इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, बट मार्केट ने बड़े सोच समझ के इंजन डाला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ ये बहुत हाई परफॉर्मेंस इंजन है, बट इट इज नॉट लेस देन इट मेंट फॉर, वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड दिस इज डिबेटेबल, वी विल टॉक अबाउट दैट। इसकी जो बेसिकली इंजन की जो कैपेसिटी है लोड कैरी करने की, अगर आप इसमें लोड मान लीजिए 500 किलो डाल दिया, 700 किलो डाल दिया, क्या क्या इश्यूज आएंगे, ब्रेकिंग का सबसे पहले इशू आएगा, फ्यूल इकोनॉमी का इशू आएगा, और आप इसको कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर सकते हैं उसका आपको इशू आएगा, ऐसे बड़े सारे इशू, बिकॉज जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है बहुत सारे टेस्ट के बाद डिसाइड की जाती है कि इसका एक टॉलरेंस होता है कि इतने टॉलरेंस तक आप इसमें वेट कैरी कर सकते हो। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। If you want to carry more than 400 kg of weight, most of the time, don't buy this vehicle. But हाँ, weight carry करना अगर आपका एक objective नहीं है और normally आप ऐसा नहीं करते हो, then you can go for it. It is up to you. Well, one of the critical discussion about this vehicle is actually its price. Trust me, 12 years ago, I think 12 years or maybe 14 years ago, I saw this Jimny on one of the website. I don't know if it's an Indian website or what. It is going to launch. मैंने बहुत वेट किया उस टाइम पर कि ये लॉन्च होने वाली है, एक साल दो साल वेट किया, लॉन्च नहीं हुई। उस टाइम शायद इसका जो प्राइसिंग था 7-8 लाख रुपए था, बट ये लॉन्च नहीं हुई। थार मैंने उस टाइम ले ली, लेकिन ये Jimny फिर भी लॉन्च नहीं हुई। अब जब ये 2023 में लॉन्च हुई, मैंने इस व्हीकल को नहीं खरीदा। अब सोचिए मैं पूरे कितने साल तक, 12-13 साल तक इस व्हीकल का वेट करता रहा। हालांकि उस टाइम ये वाला मॉडल नहीं था, उस टाइम 3-door Jimny का लॉन्च होने का था। अगर उस टाइम लॉन्च होती तो JB64 लॉन्च होती, लेकिन ये व्हीकल लॉन्च नहीं हुआ। जब 2023 में ये व्हीकल लॉन्च हुआ तो मैंने ये व्हीकल नहीं खरीदा। ना खरीदने का पहला रीजन इसकी प्राइसिंग। मेरा जो अपना एक एस्टिमेशन था, इसका जो प्राइसिंग 2-3 लाख रुपए नीचे होना चाहिए। मेरे पास फोन आया सुजुकी से, नेक्सा से, आपको व्हीकल खरीदना था, अब आप बताइए। तो मैंने उनको बोला कि आप इस गाड़ी का प्राइस 2 लाख कम कर दो, मैं अभी बुक करा लूंगा और अगर अवेलेबल है तो आज ही आपसे गाड़ी ले जाऊंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके मारुति की अपनी प्रॉब्लम्स हैं,
हम प्राइसिंग के ऊपर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा उसमें क्या कितना मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो मैंने उनका कहा 2 लाख नीचे कर लो, नहीं किया। फिर जब इसमें ऑफर आया 2 लाख का और जिसमें थंडर वाली किट भी साथ में आई फ्री, तब जाके मैंने ये व्हीकल खरीदा। अब मैं इस व्हीकल को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो एक प्राइसिंग इसका बहुत बड़ा इशू है। अगर इस प्राइसिंग में वेबसाइट पे प्राइसिंग दे रखी है उस प्राइस में अगर ये व्हीकल आपको मिलता है तो आई वुड से नो, डोंट बाय इट, इज अ ओवर प्राइस व्हीकल। इट इज अ वेरी गुड व्हीकल इन दिस कैटेगरी, बट हर चीज का एक प्राइस तो होता है ना। चीज बेस्ट होने का तो ये नहीं होता आप जितना मर्जी देख खरीद लो, ऐसा नहीं होता। ऐसी जिंदगी नहीं चलती, राइट। बहुत मेहनत करके हमने पैसा कमाया, राइट। वो इतना मेहनत से कमाया पैसा हम ऐसे ही थोड़ी लगा देंगे यार, कुछ तो प्राइस होगा ना, वैल्यू फॉर मनी वाला। अगर ये व्हीकल आपको 2-2.5 लाख कम में मिल जाता है, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी व्हीकल। अगर आपको 1-1.5 लाख के डिस्काउंट में मिलता है, स्टिल इट इज गुड। बट अगर सेम जो आपका शोरूम प्राइस पे आपको मिलता है ये, देन इट इज नॉट अ वर्थ बाइंग व्हीकल इन दैट केस। Well, don't buy it if you really like a connected vehicle. What that mean actually? If you are a techie and you really enjoy a vehicle which is a connected, आप कहीं भी रहे, आप अपने व्हीकल से कनेक्टेड रहे, आप देख सकें व्हीकल आपका कहाँ जा रहा है, उसका स्टेटस आप देख सकें, जीपीएस में उसकी लोकेशन देख सकें, देख सकें कि फ्यूल कितना अभी आपके गाड़ी में पड़ा हुआ है रिमोटली, यानी कि रिमोटली आप बहुत सारे फीचर उसके देख सके, रिमोटली गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सके, वो सब फीचर आप चाहते हैं, डोंट बाय दिस व्हीकल। बिकॉज स्टिल दे सुजुकी कनेक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस व्हीकल। बेलिनो में है, इग्निस में है, और भी कुछ गाड़ियों में है, कुछ गाड़ियों में नहीं भी है। जिमनी के अंदर भी सुजुकी कनेक्ट का ऑप्शन पेड और बिल्ट इन अवेलेबल नहीं है। इवन इफ यू वांट टू पे 10,000 अपफ्रंट मेरे इसमें सुजुकी कनेक्ट लगा दो, बिकॉज उनका एक बड़ा लेम एक्सक्यूज होता है, वी हैव डिवाइस बट वी डोंट हैव अ कनेक्टर मैच, व्हिच इज वेरी फनी। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग सुजुकी, इतना बड़ी कंपनी खोल के बैठे हो, 4 गाड़ी में आप सुजुकी कनेक्ट देते हो, इस गाड़ी में सुजुकी कनेक्ट दे रहे। इफ दैट एक्चुअली थ्रिल्स यू, सुजुकी कनेक्ट, डोंट बाय। इफ दिस इज नॉट एन इशू एट ऑल फॉर यू, गो फॉर इट, इट इज गुड व्हीकल। ऑल्सो डोंट बाय दिस व्हीकल इफ द बिगर इंजन थ्रिल्स यू, राइट, एंड द बिगर टायर्स थ्रिल्स यू, in that case don't buy this vehicle. Tires you can change, yes you can change, but uska bhi kuch compliance hai. Agar aap isme 235 ka tire dal denge to shayad aapko Suzuki isme warranty na de, but if you just stick to 215 as per my knowledge still you will get the warranty. Tire still you can change, but engine, how you can change the engine? Now you will say you will tweak the engine, right, you will do some performance tuning. Yes, you can do to some limit. Mind it, this is a naturally aspirated engine. You are just going to burn your money, trust me. So there are very limited things, but still you have few things you can do with a very small cost, and you can make this engine a little better without make it non-compliant with the warranty or other norms, right? Still you can do that, but it is not a big engine. If the big engine thrills you, don't buy this. The big tire thrills you, still you can buy it, but you have to change those to some limit. As per my experience, whatever the engine inside the car, for me it's a more than sufficient. I do lots of off-roading. Main khud Himachal Pradesh mein rehta hun aur jo aap off-roading bolte hain wo mera day to day kaam hai. Matlab mujhe ek aisi jagah pe jana hi padta hai jahan par bahut off-roading hoti hai. Village mein jana hai, gaon mein jana hai, bahut jagah pe jana hai. Road nahi hote hain, naya road bana hai, kacha hai, pakka hai. यूं करके स्लांट है, बड़े बड़े पत्थर हैं, हर जगह पे जाना पड़ता है. तो ये परफेक्टली काम करती है, ये बहुत प्यारी व्हीकल है. मतलब जिप्सी, आप सोच लीजिए एक जिप्सी एक नए अवतार में आपको मिल गई. और आपको शायद मालूम होगा, आई थिंक जिमनी का जो सेकंड जनरेशन था वो जिप्सी ही था. तो जिप्सी इंडिया में लॉन्च हुई थी, दैट वॉज सेकंड जनरेशन ऑफ जिमनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज अ 4th generation जिमनी. वी विल टॉक अबाउट द जनरेशन एज वेल इन डिटेल लेटर सम टाइम इन सम डिफरेंट वीडियो. Most of the time, you travel alone or you are a solo rider, highway, off-road, and this is your day-to-day task, or maybe whenever you go outside for traveling, you do that. In that case, you want to see every corner of the vehicle with sitting inside the car, right? Don't buy this vehicle because this vehicle don't have the 360 camera. So, you know what? 360 camera is a very crucial component, I believe. As per my opinion, when you do the off-roading, see, if the camera is here, you can see where your tire is going, right? Which stone is there actually? How normally Maruti actually place 360 camera, one camera here, two camera, one each on the VRM and one camera behind. Those cameras actually, you can see where your tires are going actually. So in off-roading, that is a very good feature to have. If you really need a 360 camera, then don't buy this vehicle. And I won't recommend you to, put aftermarket 360 camera, because there's a lot of integration with the inside system. You have to, in that case, change these OVRM, maybe if these are available of the camera, and these grills and
you need to put another camera behind, and you also probably need to change this, you know, your infotainment system, right? Through with which actually this integration will happen. So you don't offer those 360 camera in this vehicle, which is very unfortunate in this price. Many important features which are missing in this vehicle. So that's a reason this is a overpriced vehicle. Last but not least, which is very important to discuss about. If you don't have enough patience to replace the parts of this vehicle, and if you always need an expert available, then don't buy this vehicle. I'll tell you the reason. अभी नया vehicle है इंडिया के लिए. It is spreading actually. और जिन जिन location में ज्यादा sale हो रहा है वहाँ हो सकता है कुछ ज्यादा expert आपको मिल जाए. But Nexa अपने आप में जूझ रहा है, मैं बताऊँ आप. Trust me, Nexa क्यों जूझ रहा है? When you go to the service, the Nexa automatically becomes Arena, Maruti Arena. I mean, Suzuki Nexa becomes a Maruti Arena. Here the actually story starts. If you want to, you know, have an expert available of Jimny at every service center, then forget it. Maybe in the bigger city, in some cities, there are on-premises, there are very good expert of Jimny. You can expect that. I don't want to say you will not get the support actually. अगर कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर expert नहीं है, वहाँ से हो सकता है किसी को expert को बुलाएं. तो उन सब के लिए patience चाहिए. अगर आपको immediately कुछ चाहिए तो बड़ी issues कई बार आते हैं बहुत. खाली expert की बात नहीं है. मैं आपको अपना issue बताता हूँ. क्या हुआ कि एक मेरा पीछे जो rear door है right वाला, उसके पीछे की जो arc है, वो arc थोड़ी damage हो गई. वो damage होने के बाद मैंने Nexa में और Arena में मैंने बोला कि मुझे आग चाहिए. ट्रस्ट मी, इट टुक 2 months, 2 महीने लगे उस आर्क को आने में. 2 महीने बाद वो आर्क रिप्लेस हुई है. और 2 महीने बाद जो आर्क आई, इसके बाद रिप्लेस हुई, तब तक मैं उस गाड़ी को ऐसे ही चलाना पड़ा मजबूरी में मुझे. उसमें मैंने टेप वेप लगा के मैंने चला रहा था. अब सोचिए अगर वो आग की जगह कोई और इंपॉर्टेंट चीज होती जिसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चल पाती, तो 2 महीने मेरी गाड़ी खड़ी रहती. मुझे नहीं पता इतना लीड टाइम क्यों है, इतना ETA क्यों देते हैं, या ETA इनका कम होगा, ज्यादा टाइम क्यों ले लेते हैं. देयर आर सम इश्यूज विद द सपोर्ट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन एवरी सर्विस सेंटर्स. इट इज नॉट अ केस एक्चुअली. सो बी पेशेंट. इफ यू डोंट हैव पेशेंट, डोंट बाय दिस व्हीकल. ऐसा बहुत सारे व्हीकल के साथ होता है, मैं मानता हूँ. बट जिमनी भी एक बड़ा स्पेशल व्हीकल है, ऑफरोडिंग व्हीकल है, एक महंगा व्हीकल है, बहुत सस्ता व्हीकल नहीं है. Nexa बिक रहा है तो ज्यादा अच्छी सर्विस आप एक्सपेक्ट करोगे. एंड दिस इज व्हाट बेसिकली Nexa इज फॉर. एनीवे, तो होपफुली दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. जो मैंने 10 रीजन आपको दिए हैं इस व्हीकल को बाय ना करने के, कहीं ना कहीं वो इसकी वीकनेसेस भी हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ में भी चेंज हो जाती हैं. तो ये 10 रीजन थे मेरे हिसाब से. उसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं जिस वजह से इस व्हीकल को हमें नहीं लेना चाहिए. बट ये सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है. बट मुझे जो मेन लगे मैंने आपसे डिस्कस किए. और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं इसी तरह के और बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ. बिकॉज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जिमनी कुकबुक सीरीज का पार्ट है, और इस कुकबुक सीरीज में बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं. आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, लगता है कि इसमें कुछ और मैं कहीं पर ऐड ऑन कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए. कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिमनी के बारे में अगर आपको पता है कि इस टॉपिक के बारे में भी वीडियो बननी चाहिए, या आप समझते हैं कि मुझे बनानी चाहिए, और उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा. तो दोस्तों आप अभी देख रहे हैं मैशो फ्रीक ट्रैवल एंड ऑटो चैनल, जहां पर आप जिमनी की कुकबुक सीरीज देख रहे हैं. चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए.